नमस्कार व्यूवर्स स्वागत है आपका एक बार फिर से एजुकेशनल वीडियो की सीरीज में टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्वाइकल स्पनलोसिस क्या होता है और इसकी बचाव कैसे करें किस तरह से अगर ये डिजीज हो रखी है तो हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाकर इसके ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं तो माई फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक इट वेरी क्लियर दैट आवर बॉडी इज नेवर अ स्टैटिक इन्वायरमेंट हमारी बॉडी कभी भी एक बिल्कुल फिक्स इन्वायरमेंट नहीं है इसमें लगातार चेंजेस हो रहे हैं यू बी सरप्राइज टू हियर आपके सुनने की ताकत सबसे ज़्यादा तब होती है जब आप आठ साल के होते हैं उसके बाद लगातार सुनने की शक्ति भी थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है आपके सूंघने की शक्ति भी कम हो रही है उसी तरह से आपके बोन में भी बदलाव आ रहे होते हैं हमारे बोन की स्ट्रक्चर अगर आप सारे मैमल्स को देखें जिनसे हमारी बॉडी स्ट्रक्चर और बनावट काफी ज्यादा मिलती है मोस्ट ऑफ द मैमल्स दे वॉक ऑन फोर लेग्स सारे मैमल्स चारों हाथ पांव पे चलते हैं वाइल एज ह्यूमन वी आर वेरी यूनिक इन आवर वॉक ऑन टू लेग्स तो दिस बॉडी इज नॉट एसेंशियली बैलेंस्ड अगर एक गाय का छोटा बेबी है वो जस्ट आफ्टर बर्थ भी धरती के ऊपर पूरी तरह से खड़ा हो सकता है इंसान के बेबी को सिर्फ खड़ा होना सीखने में एक साल लग जाते हैं वॉक करना और खड़ा होना हमारे लिए एक लर्निंग एक अचीवमेंट होता है और आज के हमारी डे टू डे प्रोसेस में डे टू डे के जीने के तरीके में हमें चलने की जरूरत शायद ही पड़ती है अगर हम ट्रैवल भी करते हैं अगर आप गुड़गांव से दिल्ली जा रहे हैं दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं एनी वेयर यू आर मूविंग यू आर नॉट एसेंशियली मूविंग बट योर व्हीकल इज मूविंग आन यू आर सिटिंग स्टिल योर ऑफिस इज टेन किलोमीटर्स यू डोंट गो टेन किलोमीटर्स यू सिट फॉर द ड्यूरेशन फॉर विच योर व्हीकल इज रनिंग आपकी गाड़ी आधे घंटे चलती है आप बैठे होते हैं सो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द डे यू आर वर्किंग थ्रू आउट द डे बट यू आर नॉट मूविंग but you are talking to your clients your all the customers friends and family all people on phone on internet so essentially your work also is like sitting on the chair the way i am sitting right now so this leads to less requirement of calcium by your bones aapki bones ko calcium ki zarurat, कम महसूस होती है और इस तरह से इवन इफ योर ब्लड हैज एनफ कैल्सियम योर बोन्स फेल टू अब्जॉर्ब यानी कि अगर आपके ब्लड में कैल्सियम है तो भी आपके बोन्स कैल्सियम को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते सो मेनी टाइम्स यू टेस्ट योर फॉर सिरम कैल्सियम एंड यू फाइंड दैट योर सिरम कैल्शियम इज एनफ वन पार्ट बट स्टिल इवन इफ देर इम ये कुछ ऐसा है जैसे आपके हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई रेडी वाला आया हो और उसने फल के लिए आवाज लगाई फल खरीद लो बट दैट डीन यू रियली परचेज इवन इफ यूर ब्लड हैज गॉट कैल्सियम इट डज नॉट रियली मीन दैट यूर बोन आर गेटिंग एनफ कैल्सियम एंड टू एड टू दैट हम हार्डली सूरज की रोशनी में होते हैं एंड इवन इफ किसी और वीडियो में मैंने डिस्कस करा था अगर हम सूरज की रोशनी में भी होते हैं सो ओनली आवर फेस इज एक्सपोज रेस्ट ऑल द पर्सन इनसाइड इन साइड सो इवन इफ यू आर इन द सन लाइट यू आर नॉट गेटिंग एनफ सन एक्सपोजर द वे यू आर सपोज एक्सपोजर इन द सेम वे जिस तरह से हमारे पूर्वज जो कि खेती करते थे और खेतों में खुले बदन जाके मेहनत मशक्कत करते थे सारा दिन हमें उस तरह की सनलाइट आज नहीं मिल पाती है तो सनलाइट भी हमें नहीं मिल रही जिस वजह से हमें वाइटमिन डी हमारी बॉडी कम बना पाती है एक तरफ हमारे बोन्स को कैल्शियम की जरूरत कम महसूस होती है दूसरे तरफ हमारे पास वाइटमिन डी भी कम बन रहा है आज अगर आप लोगों की टेस्ट करवा के देखें आधे से ज्यादा लोग वाइटमिन डी डिफिशियंट हैं यानी कि उनके ब्लड में विटामिन डी की मात्रा कम है इन दोनों वजहों से आपका बोन लगातार कमजोर होता जाता है और मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूं ये हमारे बोन के स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉलम की यानी कि रिंग जैसे स्ट्रक्चर स्कल से लेके नीचे तक लगातार बने होते हैं और ये जानवरों में जहाँ बोन होता है और हमारे यहाँ बीच में यहाँ तक जाते हैं अब इन स्ट्रक्चर के अंदर भी जैसे जैसे कैल्शियम की कमी होती है इनके अंदर मेल्टिंग जैसी प्रोसेस होती है और ये धीरे धीरे थिनर होते जाते हैं और यहाँ से दोनों तरफ में लगातार नर्व्स निकल रहे होते हैं यहाँ से लेके यहाँ 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 हर जगह नर्व्स निकल रहे होते हैं

पैरों में हाथों में अलग अलग जगह पे सेंसेशन से महसूस होते आन योर डॉक्टर डायग्नोसिस कि कही कहीं ना कहीं कंप्रेशन सा हो रहा है कहीं ना कहीं नर्व्स में सेंसेशन हो रही है नाउ कमिंग टू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट अपने कैल्शियम की मेटाबोलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए आप छोटे से छोटा वेट को लेकर एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके घर में चाहे भारी कोई किताब हो या आपके घर में एक लीटर के पानी की बॉटल हो या इफ़ यू यू आर सेंसिटिव यू कैन गो एंड परचेज स्मॉल डम्बल ऑफ वन के जी स्टार्ट एक्सरसाइजिंग फॉर योर लिम्स लॉट ऑफ वीडियोज एंड लॉट ऑफ मटीरियल इज अवेलेबल हाउ यू कैन डू एक्सरसाइज फॉर लेग्स अगर कुछ भी नहीं होता तो चेयर पर बैठ के दोनों पैरों को साथ जोड़ें और थोड़ी देर तक ऊपर उठा कर रखें उसके बाद वापस ज़मीन पर रख दें लेग्स के साथ ये प्रोसेस टेन टाइम्स करें दोनों लेग्स को आपस में जोड़कर उठा लें थोड़ी देर तक उठा के रखें दस सेकेंड तक फिर नीचे लेके आए दस बार ये प्रोसेस करें हाथों को डंबल से एक्सरसाइज दें इसके साथ साथ ही बोन्स की अलाइनमेंट भी एक इक्वली क्रिटिकल पार्ट है बोन की अलाइनमेंट के लिए स्पेशली आपके नेक मसल्स और नेक बोन की अलाइनमेंट के लिए कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस हैं जो आपके बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं नेक के पीछे के मसल्स को ये बड़ा ही सिंपल एक्सरसाइज है दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करेंगे हाथों को पीछे ले जाएंगे और हाथों को सिर के पीछे ले जाके जोर से पुश करेंगे मैं हाथों से सिर को पीछे धक्का दे रहा हूँ पुश कर रहा हूँ इसके बाद सामने लाके हाथों को यू ऐसे सिर के तरफ ले जाके प्रेस करेंगे फिर इस हाथ से यूं ले जाके प्रेस करेंगे एक बार ये प्रेसिंग की प्रोसेस है टेन सेकेंड तक करना है फिर टेन सेकेंड तक आराम देना है एक एक्सरसाइज यानी कि दोनों फिंगर को सिर के पीछे ले जाकर प्रेस करने की एक्सरसाइज ये प्रोसेस दस बार इस तरह से करना दस बार इस तरह से सिर से धक्का देना हाथों को दस बार इस तरह से आप देखेंगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे भी कि आपके नेक मसल पे स्ट्रेस पड़ रहा है और आपके नेक मसल्स मजबूत हो रहे हैं इसके साथ साथ एनसीएंट अगर योगा की बात करें तो योगा में कुछ एक पोस्टर बड़े ही महत्वपूर्ण है आपके बैक मसल के अलाइनमेंट के लिए नंबर वन में आता है भुजंग कहते हैं आप फ्लैट पेट के बल लेट जाते हैं यू स्टार्ट टेकिंग योर ब्रेथ इन एंड गो बैकवर्ड्स बेंड योर हेड बैकवर्ड लाइक अ स्नेक सांप जिस तरह से फुपकार मारता है आप उस तरह से अपने नेक को पीछे ले जाते हैं दस सेकेंड तक सांसों को रोक के रखें फिर सांसों को बाहर निकालते हुए सिर को नीचे ले जाएं, चिन को दोबारा पीठ को सटा दें पेट के बल करने की पहली एक्सरसाइज स्नेक पोज भुजंग आसन द सेकेंड एक्सरसाइज इज बो पोज जबकि अपने पेट के बल लेट के अपने सांसों को भरते हुए अपने हाथ को पीछे ले जाएं, लेग्स को पीछे ले जाएं, हाथों से लेग्स को पकड़ लें एक धनुष से स्ट्रक्चर एक बोस स्ट्रक्चर बन जाएगी दैट्स अगेन अ वेरी क्रिटिकल एक्सरसाइज टू अलाइनिंग योर बैकबोन इन राइट शेप ये आपके बैक एक से लेके सर्वाइकल प्रॉब्लम में हर जगह बहुत ही अच्छा बेनिफिट देती है इसके साथ-साथ आप टेस्ट करवाएं अगर विटामिन डी की कमी हो गई है तो आप विटामिन डी की करेक्शन करें अपने डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लेकर वाइटामिन डी को करेक्ट करें और एक बात जानना बहुत जरूरी है कि वाइटमिन डी फैट सॉलेबल होता है तो अगर वाइटमिन डी की मात्रा आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान हो सकता है इसलिए डॉक्टर के सलाह के बाद आप वाइटमिन डी को बंद कर दें लेना जो अक्सर दो से तीन महीने तक दिया जाता है बेस्ड अपॉन योर लेवल इसके साथ साथ बहुत सारे हिंदुस्तान में लोगों को हम शाकाहारी हैं हमारे अंदर कई बार वाइटामिन बी ट्वेल्व की कमी होती है और इससे भी हमारे नर्व्स में और नर्व से रिलेटेड सेंसेशंस और प्रॉब्लम होते हैं तो आप अपने नज़दीकी लैब में जाकर अपनी वाइटमिन बी ट्वेल्व की भी टेस्ट करें अगर वाइटमिन बी ट्वेल्व कम हो रहा है ये इसकी करेक्शन बहुत आसान है अपने फिजिशियन से आप रिकमेंडेशन लेकर एक अच्छी सप्लीमेंट ले सकते हैं और अपने वाइटामिन बी ट्वेल्व के लेवल को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर फिजिशियन महसूस करते हैं तो आपके लिए एक बोन की डेंसिटी का भी टेस्ट करवाते हैं जिससे पता चलता है कि आपके बोन कितने स्ट्रॉन्ग हैं आइडियली ट्वेंटी ईयर्स के बाद बीस साल के बाद कम से कम हर तीसरे साल विटामिन बी ट्वेल्व और वाइटमिन डी की टेस्ट करवानी चाहिए अगर आप सारा दिन काम के दौरान बैठे रहते हैं अगर आपको वजन उठाने का मौका नहीं मिलता अगर आपका काम धूप में जाने का बिल्कुल भी नहीं है तो हर साल आपको वाइटमिन डी और बी ट्वेल्व की टेस्ट जरूर करवानी चाहिए ताकि आपके बोन्स कमजोर होने ही ना पाए और कमजोर होने के बाद सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने के बाद करेक्शन की जरूरत ना पड़े आप पहले से ही अपने बोन्स को स्ट्रांग रखें तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ वी विल बी ऑलवेज अपडेटिंग यू विथ न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन हेल्थ अगर कोई सुझाव है आपके पास या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप डिस्कशन चाहते हैं डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन धन्यवाद